नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आने वाले अगले 4 से 5 दिनों में आपकी आंखों के सामने बहुत ही बड़ा कांड होगा। दोस्तों, आशा और विश्वास आपके दोनों एक साथ टूट जाएंगे। और दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको समझ में यश में आ जाएगा कि यह दुनिया केवल और केवल मतलबी है। वह कहते हैं ना, अपना काम बनता तो भाड़ में जाए जनता, और यही कहावत आने वाले 5 दिनों में आपके साथ भी होने वाले हैं। जी दोस्तों, आप जिसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जिसके लिए आप हमेशा फ्री रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए यूज कर रहे हैं। उनका काम पूरा होने पर, जब उनका काम पूरा हो जाता है, वो आपको अपना औकात दिखा देंगे। यहाँ दोस्तों कोई किसी का नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ कहने की बातें हैं कि मैं आपके साथ हूँ। अगर कोई इंसान अपना है तो वह एक इंसान है जिसे आप शीशे में खुद देख पाएंगे। दोस्तों, वह आप खुद हैं। आप खुद पर भरोसा कीजिए, जरूरत पड़ने पर कोई काम नहीं आएगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मोमबत्ती को भी आखिरी में पता चलता है कि उसे उस धागे ने ही खत्म किया है जिसे उसने अपने दिल में छुपा कर रखा था, अपने सीने से लगा कर रखा था। और दोस्तों, ठीक उसी प्रकार आपको भी वही धोखा देगा जो आपके सबसे करीब हैं। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें, जिन पर आप बहुत ज़्यादा विश्वास कर रहे हैं, जिन पर आप बहुत ज़्यादा भरोसा कर रहे हैं, दोस्तों ऐसे लोग ही आपको अंत में धोखा देंगे। दोस्तों, मेरा आपसे बस यही सलाह है कि सुनिए शब्द की परंतु करिए मन की। दोस्तों, बात अगर आपको सटीक लगा हो, सही लगा हो, तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आए दोस्तों, सके साथ बात करते हैं कि आने वाले 5 दिनों में आप सभी के लिए कौन कौन से परिणाम लेकर आने वाले हैं। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आपको किन किन बातों का यश में ध्यान रखना होगा। सभी बातों को दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि दोस्तों ऐसा वीडियो बार बार नहीं बनता। जी दोस्तों, आपको बता दें कि आप शब के लिए अपने अंदर बहुत ही अच्छा सोचते हैं। शब के लिए आपके अंदर पॉजिटिविटी भरा रहता है। आप चाहते हैं कि सब लोग आगे बढ़े। सभी बड़ों का आप सम्मान भी करते हैं, किसी का आप निरादर नहीं करते और ना ही किसी का आप अपमान करना भी चाहते हैं। पर दोस्तों, ना जाने लोग आपसे क्या चाहते हैं। लोग आपसे इतना जलते हैं कि हम बता नहीं सकते। दोस्तों, आपके पास कुछ ना होने के बाद भी लोग आपको पीछे खींचने के लिए इतने एक्टिव खड़े थे। उस समय दोस्तों फिर से आपने अपने आप को संभाला जब आपके पास कुछ नहीं था। लोगों को देखकर, दूसरों को देखकर आपके दिल में ऐसा ख्याल आता था कि काश ऐसी किस्मत मेरी भी होती। पर दोस्तों, आपके घर के ही लोग, आपके घर के अपने लोग आपके बर्बादी के लिए खड़े हैं, आपको बर्बाद करने के लिए खड़े हैं। हम आप सभी को बता दें कि इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है। आपके अंदर अच्छाइयाँ छुपी हुई है, आपके अंदर भगवान का आशीर्वाद छुपा हुआ है। तो दोस्तों, आपका कोई बाल भी बाकार नहीं कर सकता। दोस्तों, पिछले कई सालों से आपके पास कुछ था ही नहीं, और ईश्वर के आशीर्वाद इस प्रकार हुई कि आपने जो जो चाहा है वह आप सभी को मिला है। जी दोस्तों, आपके पास कुछ नहीं भी था तभी लोग आपको नहीं देख पा रहे थे, लोग आपसे जलते थे, लोग आपको पीछे खींचते थे। और दोस्तों, अब ईश्वर के आशीर्वाद से आपके पास वे सभी चीज़ें उपलब्ध है जिनकी आपको ज़रूरत है। और दोस्तों, अब ये सभी चीज़ें देखकर आपके शत्रु के खाने नहीं पचते, उनके दिल और दिमाग में तहलका मचा हुआ है। जी दोस्तों, पर दोस्तों हमारी एक बात आप गांठ बांध कर रख लें कि अगर कोई आपके आगे गलत संदेशा दे, गलत बातें बताए कि आपके बारे में वह व्यक्ति ऐसा बोल रहा था, तो दोस्तों बिना अपने कानों से सुने दूसरे इंसान को गलत जवाब नहीं देना। दोस्तों, आपको यह बात तो पता ही है कि लोग आपको नीचे दिखाने के लिए, पीछे खींचने के लिए तैयार खड़े हैं। तो दोस्तों, आप ऐसा गलत कदम कभी भी ना उठाएं। आपको बस अपने जीवनकाल में सतर्क होकर अपने जीवनकाल में आगे बढ़ते जाना है और अपने लक्ष्य को दोस्तों दूसरे के कारण अनदेखा नहीं करना है। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, सत्य के रास्ते पर चलते जाइए, ईश्वर आपको रास्ता दिखाते जाएंगे।
ये दोस्तों आपको पीछे पलटकर नहीं देखना है कि कौन आपको क्या कह रहे हैं और दोस्तों आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज़ को आपको नहीं देखना है। अगर दोस्तों आप इन बातों में उलझे रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी कोई सुधार नहीं सकता। जब ईश्वर आपके साथ है तो आपको डरना किस बात की। जी दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि भगवान श्री कृष्ण जी यह बात कहते हैं कि क्यों रो रहे हो मन का ना होने पर, जो लिखा है किस्मत में वह होकर ही रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पंछी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वह जानते हैं कि फिर वर्षा होगी, फिर पेड़ों में नए पत्ते आएंगे। इसलिए दोस्तों, जो हुआ उसे भूल कर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। दोस्तों, इंसान जिंदा होता है, अपने मन की बात किसी से कहता है तो उसे समझने वाला कोई नहीं होता, और जब मर जाता है तो दोस्तों लोग कहते हैं कि काश अपनी समस्या मुझे कह देते, मैं कोई मदद कर देता। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि असल में ऐसे लोग बहुत ही फर्जी होते हैं। दोस्तों, कोई किसी का मदद या फिर दया नहीं करते, अपना दुख अपने आप को झेलना पड़ता है, अपनी मदद खुद को करनी पड़ती है। अगर आप समझदार हैं और आपके साथ ये सब चीज़ें होती है तो दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। आप समझ गए होंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। जी दोस्तों, हम आप शिव को बता दें कि इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो कि किसी को आगे बढ़ने नहीं देख सकते। दोस्तों, खुद तो आगे बढ़ नहीं पाते और दूसरे इंसान को भी आगे बढ़ने नहीं देख पाते। जी दोस्तों, आपके पास पेशा है पर वह नहीं चाहते कि सामने वालों के भी पास पेशा हो। हर तरीके से दोस्तों वह आपको नीचे गिराना चाहते हैं, परंतु दोस्तों ईश्वर की कृपा से उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से वह आपको गिरा सके। पर दोस्तों, आपको शांत नहीं रहना है। आपके लिए वह नए नए बात सोच रहे हैं। इन लोगों से ऐसा कह देता हूँ, उन लोगों के बारे में ऐसा गलत बता देता हूँ ताकि लोग इनसे जलते रहे। जी दोस्तों, परंतु दोस्तों, हम आप सभी को शुरू में ही बताए हैं कि दूसरों की बातों पर यकीन नहीं करना है। जब तक आप अपने कान से नहीं सुन लेते, उस व्यक्ति की आवाज़ से सुन नहीं लेते कि उसने आपको ऐसा कहा। जी दोस्तों, मैं यह नहीं कह रही हूँ कि आप उनको अपना मानो, आप उनसे मीठी मीठी बातें करो, आप उनको नज़रअंदाज करो। दोस्तों, ऐसा नहीं है। बस दोस्तों, आपको सतर्क रहना है। आपको दोस्तों उसको जवाब नहीं देना है, ईश्वर से उनको जवाब मिलेगा। जी दोस्तों, कि वह क्या जवाब ढूंढ रहा है और वह क्या चीज़ करने वाले हैं, ईश्वर बताएंगे। आपको कुछ बताने की, समझाने की ज़रूरत नहीं। अगर दोस्तों आप सत्य हैं, किसी के बारे में नेगेटिविटी आपके माइंड में नहीं है, आप अपने मतलब के लिए लोगों से बात नहीं करते, अपने मतलब के लिए लोगों को यूज़ नहीं करते, तो दोस्तों आप परेशान ना हो, ईश्वर आपके साथ है। अगर दोस्तों आप जो चाहते हैं वह मंजिल अभी तक आपको नहीं मिली है, तो दोस्तों आपको वह मंजिल अवश्य मिलेगी। ईश्वर पर भरोसा करिए, बस आगे बढ़ते जाइए। दोस्तों, समस्या देखकर जीवन में कभी भी हार मत मानो। क्या पता जिस समस्या के अंदर तुम्हारी एक बड़ी शुरुआत छुपी हो। अगर दोस्तों कष्ट बड़ा है तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि कामयाबी भी बड़ी ही मिलेगी। बस ईश्वर पर भरोसा करिए, अपने काम पर भरोसा करिए और किसी दूसरे इंसान पर नहीं। पृथ्वी में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या न हो, और न ही पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या भी है जिनका समाधान न हो। जो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि समस्या के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं, परंतु समाधान के बारे में सोचने से रास्ते मिलते हैं। जो दोस्तों, जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी भी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवनकाल को सरल बनाना चाहते हैं तो मेरे सभी बातों को जीवन में गांठ बांधकर जरूर रखिएगा और अपने जीवनकाल में आगे बढ़िएगा। दोस्तों, आशा करते हैं कि आज का यह वीडियो आप सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, कितना प्रतिशत सच लगा, दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।